हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अभिषेक और आज की इस वीडियो में मैं लेके आऊँ आप लोगों के लिए यहाँ पे जॉय रूम का यहाँ पे पावर बैंक। जी हाँ, तीन तीन यहाँ पे पावर बैंक आप लोगों के लिए लेके आऊँ। इसी का करेंगे हम अनबॉक्सिंग रिव्यू और देखेंगे कैसा यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिलता है। और बहुत ही एक अमेजिंग और बहुत ही बोल सकता है कि फ्रेंड्स बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है जॉय रूम की तरफ से। और इसके अलावा भी जॉय रूम इंडिया ने हमें यहाँ पे बॉक्स भेजा है। बॉक्स यहाँ पे मेरे हाथ में देख सकते हैं आप। अरे बॉक्स कहाँ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा मैंने जादुई से पूरा का पूरा एक बॉक्स भर के यहाँ पे यार भेजा है जॉय रूम इंडिया ने। और एक से एक अमेजिंग प्रोडक्ट यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ फ्रेंड्स जॉय रूम का है यहाँ पे, वो भी रीजनेबल प्राइस में। जी हाँ, डे टू डे लाइफ वाला हेडफोन कह लीजिए, पावर बैंक कह लीजिए, स्पीकर्स कह लीजिए, बूम स्पीकर्स कह लीजिए, सारा का सारा चीज़ इस बॉक्स में यहाँ पे जॉय रूम ने भेजा है। बहुत ही बड़ा बॉक्स है यहाँ पे और अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट आता है यहाँ पे। एक एक करके हम इसका रिव्यू देखेंगे, बट यहाँ पे ये मैं बोल सकता हूँ फ्रेंड्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे जॉय रूम का है और वो भी रीजनेबल प्राइस में। देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे बॉक्स भर के है। तो जैसे कि मैंने बताया, एक एक करके हर एक चीज़ का रिव्यू हम देखेंगे, बट आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जॉय रूम के पावर बैंक का यहाँ पे अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत सारा प्रोडक्ट आप लोगों के लिए बस आने वाला है, वो भी अमेजिंग अमेजिंग चीज़ है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये है वो तीनों यहाँ पे पावर बैंक। सबसे पहला है यहाँ पे जॉय रूम का यहाँ पे DM211 यहाँ पे पावर बैंक, मेटल शेल पावर बैंक लिखा गया है। 10,000 mAh का इसका यहाँ पे बोल सकते हैं आउटपुट है। 2 ampere यहाँ पे आउटपुट दिया गया है फ्रेंड्स, और 2 USB हाई एफिशिएंसी आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे बैक की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे मॉडल नंबर जॉय रूम ME सीरीज़ यहाँ पे लिखा गया है। DM211 12 months का यहाँ पे वारंटी भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छा। एल्युमिनियम अलॉय शेल यहाँ पे थिन पोर्टेबल यहाँ पे लिखा गया है। 10,000 mAh का बैटरी बैकअप यहाँ पे देखने को मिलता है। दो ऑप्शन में देखने को मिलता है, ग्रे और ब्लैक यहाँ पे। तो चलिए क्विकली हम इसे पहले ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये है बेसिकली ब्लैक कलर में यहाँ पे आता है कुछ इस तरीके से, और बहुत ही अच्छे पैकेजिंग में आता है फ्रेंड्स। और एक यहाँ पे हमको देखने को मिलता है जॉय रूम की तरफ से एक यूज़र मैनुअल, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन गाइड भी यहाँ पे इसे बोल सकते हैं। इसे साइड में रख लेता हूँ। ये है हमारा पावर बैंक, यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखता है। एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत ही एक अच्छा है। यहाँ पे वेट तो रहेगा बिकॉज यहाँ पे 10,000 mAh के साथ आता है। जॉय रूम का ब्रांडिंग है यहाँ पे। ऊपर की तरफ हमको यहाँ पे दो पोर्ट देखने को मिलते हैं यहाँ पे आउटपुट के लिए, यहाँ पे इनपुट का पोर्ट देखने को मिलता है। और ये यहाँ पे बटन, ताकि आप लोगों को यहाँ पे LED से इंडिकेट हो जाए कि आपका जो पावर बैंक है वो कितना यहाँ पे चार्ज है। बहुत ही स्लीक और बहुत ही अच्छा यहाँ पे डिज़ाइन देखने को मिलता है। पीछे की तरफ यहाँ पे मेंशन किया गया है जॉय रूम। यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंपल सा यहाँ पे ये है फ्रेंड्स यहाँ पे पावर बैंक जॉय रूम की तरफ से। प्राइसिंग की बात करूँ तो करीबन यहाँ पे 1,299 rupees इसका प्राइसिंग आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 1,300 mAh का पावर बैंक है और 1,300 rupees के आसपास यहाँ पे ये मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा है, एक कॉम्पैक्ट यहाँ पे स्लिक डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो आउटपुट है ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ पावर बैंक्स ऐसे भी रहते हैं जो यहाँ पे बहुत ही जल्दी डेड हो जाते हैं, बट ये यहाँ पे 10,000 है, तो यहाँ पे वाकई में 10,000 को तक का आपको आउटपुट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस पावर बैंक में। तो ये है हमारा पहला पावर बैंक DM211। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। और साथ ही में ये देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, फिर USB केबल देखने को मिल जाते हैं, तीन USB केबल देखने को मिलते हैं। ये तो नॉर्मल माइक्रो USB केबल, ये यहाँ पे देखने को मिलता है माइक्रो USB केबल, यहाँ पे देखने को मिलता है एक टाइप सी केबल। यहाँ पे आपके टाइप सी अगर पोर्ट है तो उसे आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। साथ ही में आप लोगों को एक आईफोन का भी यहाँ पे केबल देखने को मिलता है। तो ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि 3-in-1 आप लोगों को यहाँ पे केबल देखने को मिलता है। माइक्रो USB केबल, टाइप सी केबल और यहाँ पे आईफोन आईपोड का यहाँ पे केबल देखने को मिलता है। ये बहुत ही अच्छा है। अब दूसरे पावर बैंक की बात करूँ तो ये है DM218, ये भी 10,000 mAh के साथ यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो जो आउटपुट है वो 2.1 ampere का यहाँ पे मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हैं डुअल इनपुट एंड डुअल आउटपुट, थिन पोर्टेबल यहाँ पे लिखा गया है और कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे ये चार कलर ऑप्शंस में बेसिकली अवेलेबल देखने को मिलता है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ये है हमारा पावर बैंक कुछ इस तरीके से दिखता है ये वाला फ्रेंड्स। इसे मैं निकाल लेता हूँ। और जैसे कि हम सबको पता है कि एक इंस्ट्रक्शन गाइड हर एक पावर बैंक में हमको मिल रहा है जॉय रूम की तरफ से, जो कि बहुत ही अच्छी बात है।
यहाँ पे DM218S का मॉडल नंबर है। और ये यहाँ पे देखेंगे तो कुछ टेक्सचर्ड फिनिश टाइप यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे डिज़ाइन देखने को मिलता है। और ऊपर की तरफ यहाँ पे मिलता है एक स्क्रीन यहाँ पे, वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आउटपुट दो देखने को यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे एक और बेसिकली आउटपुट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल जाता है, इनपुट यहाँ पे एक ही है। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये इसका एक बटन देखने को मिल जाता है, इसे यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बताएगा कि आपका जो पावर बैंक कितना यहाँ पे चार्ज है। यहाँ पे 97% यहाँ पे बेसिकली चार्ज है। और यहाँ पे जैसे कि देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, ये है दो आउटपुट आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाता है, और ये यहाँ पे चार्जिंग का यहाँ पे केबल देखने को मिल जाता है। तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये चार्ज होगा फ्रेंड्स, ये टाइप सी के पोर्ट के थ्रू। साथ में ये जो केबल मिलता है यहाँ पे, ये भी 3-in-1 केबल, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ पे 3-in-1 केबल ही है। देख लीजिए, ये है माइक्रो USB केबल, ये है यहाँ पे टाइप सी केबल, माइक्रो USB केबल, और ये यहाँ पे लाइटनिंग पोर्ट यहाँ पे केबल आईफोन के लिए आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा है, ये एक बेसिकली बोल सकते हैं कि फ्रेंड्स थोड़ा सा यूनिक इसलिए क्योंकि एक हल्का सा साइड में आप लोगों को यहाँ पे बटन देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोग अब देख सकते हैं कि कितना आप लोगों का यहाँ पे जो पावर बैंक है वो चार्ज है। इसकी अगर प्राइसिंग की बात करो तो 1400 रुपये में आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, दो दो इनपुट आप लोगों को और दो दो आउटपुट देखने को मिल जाएगा। टाइप सी के थ्रू भी आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं, वरना आप माइक्रो USB पोर्ट के थ्रू भी इसे यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे भी सिंपल सा यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे साइड में आप लोगों को जॉय रूम का ये सब ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही अच्छा यहाँ पे पावर बैंक सिर्फ 1400 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगा। तो ये है DM218। अब हम आखिरी पावर बैंक को खोलेंगे, वो है DM219। ये कुछ इस तरीके से दिखता है पावर बैंक। यहाँ पे आउटपुट देखेंगे तो 2 एम्पियर यहाँ पे लिखा गया है, 2 USB हाई एफिशियंसी आउटपुट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, 10,000 mAh का ये भी बैटरी बैकअप यहाँ पे देखने को मिलता है। DM219 इसका यहाँ पे मॉडल नंबर है, यहाँ पे दो कलर में आता है, ग्रे ब्लैक कलर यहाँ पे, तो ये बेसिकली ब्लैक कलर है। तो चलिए इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। इसे आता है फ्रेंड्स हमारा पावर बैंक, और ये थोड़ा सा यहाँ पे शाइनी फिनिश है। यहाँ पे अगर आप 218 देखेंगे और 219 में देख सकते हैं कि दोनों ही सेम तरीके का टेक्सचर्ड फिनिश है, बट ये है यहाँ पे ये वाला मैट है और ये यहाँ पे शाइनी फिनिश के साथ आता है। यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर की तरफ यहाँ पे लिखा गया है 10,000 mAh का पावर बैंक यहाँ पे, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। ये है उसका बटन, और ये इंडिकेट करता है कि आपका पावर बैंक कितना चार्ज है LED इंडिकेटर के थ्रू यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो पोर्ट देखने को मिल जाएगा बेसिकली चार्जिंग के लिए, एक यहाँ पे माइक्रो USB पोर्ट और एक यहाँ पे टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा, यानी कि दो इनपुट दो आउटपुट आप लोगों को यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और ये यहाँ पे कुछ उनका मेंशन किया गया है यहाँ पे कि आउटपुट 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे दो इनपुट दो आउटपुट वाला, ये एक सिंपल पावर बैंक है, बट यहाँ पे ये जो आउटपुट देता है वो बहुत ही अच्छा। देख लीजिए जितना भी जॉय रूम का पावर बैंक है, फिर वो चाहे कर लीजिए 211, 218, 219, सबका आउटपुट बहुत ही अच्छा है, यानी कि फेक आउटपुट नहीं है जिस तरीके से बहुत सारे मार्केट में आप लोगों को जो ब्रांड के नाम पे पावर बैंक्स मिलते हैं, जैसे शाओमी के ही पकड़ लीजिए तो 10,000 तो वो पूरा आउटपुट नहीं देता है, बट ये यहाँ पे जॉय रूम का जो आउटपुट है वो पूरा का पूरा 10,000 बोला है, तो 10,000 mAh ही पावर बैंक का आउटपुट आप लोग को देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा है, ये आता है करीबन 1200 रुपये के आसपास, 1300 रुपये के आसपास आता है करीबन, और ये जो 218 आता है वो आता है करीबन 1400 रुपये के आसपास, और ये वाला जो आता है M219 ये आता है करीबन 1500 रुपये के आसपास। तो 1300, 1400 और 1500 रुपये में मतलब 100 रुपये का फ़र्क है, बट यहाँ पे देख सकते हैं डिज़ाइन वाइज भी थोड़ा सा फ़र्क आप यहाँ पे बोल सकते हैं, ये थोड़ा सा एलिगेंट प्रीमियम देखने को मिलता है, मैट फिनिश देखने को मिलता है, और ये यहाँ पे देखने को मिलता है फ्रेंड्स यहाँ पे नॉर्मल प्लेन जिस तरीके से और भी पावर बैंक देखने को मिलते हैं। तो यही है फ्रेंड्स यहाँ पे जॉय रूम के यहाँ पे पावर बैंक का अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू। और यहाँ पे जैसे कि हम सबको पता है कि फ्रेंड्स हर एक यहाँ पे पावर बैंक में आप लोगों को जो केबल मिलता है वो मिलता है फ्रेंड्स माइक्रो USB केबल 2, माइक्रो USB केबल टाइप सी पोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, एप्पल का पोर्ट देखने को मिलता है आईफोन के लिए, और माइक्रो USB तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। ये बहुत ही अच्छा है कि यार आप लोगों को किसी भी पावर बैंक में ये पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी बोल सकता हूँ। आप लोग कहीं पे भी देख लीजिए, जो भी पावर बैंक आपने खरीदा हो आप लोगों को ऐसा पोर्ट नहीं देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे जॉय रूम ने हर एक पावर बैंक में ये पोर्ट दिया है, जो कि थम्स अप है फ्रेंड्स, और इसको बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही बढ़िया बना देता है जॉय रूम के पावर बैंक को। यही है फ्रेंड्स जॉय रूम का M211, 218, 219 का अनबॉक्सिंग और रिव्यू। आप बताओ आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट्स, और जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड्स बॉक्स भर के प्रोडक्ट है, दिखाओ क्या देख सकते हैं, बॉक्स भर के यहाँ पे
प्रोडक्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो एक एक करके हम गिव अवे तो करेंगे ही बेसिकली, बट एक एक करके हम अनबॉक्सिंग भी करेंगे। तो ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बने रहिए टेक यूट्यूब चैनल के साथ। बोलते रहिए जय हिंद, पीस आउट।